चले ओए मक्खन आगे चल मार चल इजी है एक ही सामने गिरा मैंने बोला मक्खन आएगा बड़ा इजी आ रहा शक्ल से लग रहा कुछ नहीं चल एक सांस में खींच रहे सांस रोक चले यार ऑल राइट गाइस तो कैसे आप लोग सारे आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यार ये वेडिंग सीजन चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमारे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं दिन भाई। तो मेरे को जाना था वेडिंग पे, तो मैंने सोचा पहले अपने बाल क्यों ना कटवा लूँ। सो इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि हेयर कट मिलना भी बहुत ज़्यादा, अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि यार वेडिंग सीजन का इतना बहुत है। तो मैं चल पड़ा अपने हेयर कट को कराने के लिए क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट ली थी। क्योंकि भैया ने मुझे बोला था कि तुम 2 मिनट वेट कर लो, बस 5 मिनट की वेटिंग थी मेरी। तो मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ, ऐसे बेटर। तो मैं अपने साथ जो है हमेशा कुछ ना कुछ कैरी करके रखता हूँ, तो मैंने ना प्रोटीन बार कैरी करके रखा हुआ था अपने साथ में। तो फिर मैंने सोचा यार ये पहले खा लेता हूँ, इतने में मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और यार मुझे भूख बड़ी ज़्यादा लगती है, तो मैंने ना इसीलिए अपने साथ में रखा था। इसलिए मेरे को जो है टिपर वाला हेयर कट ही अच्छा लगना था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने तो बोल दिया भैया को, तो भैया ने मेरा ऑलमोस्ट कर दिया था। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको जो है फिनिशिंग चाहिए होती साइड पे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और इधर से मुझे सीधे डायरेक्ट जाना था फिर सीधे शादी में दोस्त की बहन की, तो ऑलमोस्ट हो गया था। आप देख सकते हैं इसके अंदर वीडियो में कि ये ऐसा है। सो गाइस जस्ट कल पार्टी से, मतलब कि हेयर कट कराने के बाद पार्टी से हम सीधे फिर घर पहुंचे थे। तो मैं जो है प्रॉपर की वो आपको वो वीडियो नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि मैं लेट हो गया था हेयर कट का दिखाने के लिए। सो अभी मैंने आप देख ही देखते हो आप कि मैं बाल वगैरह कटवा चुका हूँ, तो इसमें इतना पता नहीं चल रहा है। और मैंने एक न्यू वैक्स ली हुई है, वैक्स नहीं वो पोमेड होती है, क्ले टाइप की होती है, वो आप भी यूज़ कर सकते हो जिनको अपने हेयर स्टाइलिश करने होते हैं। इसमें तो पता नहीं चल रहा है इधर से कि कैसे लग रहे हैं, लेकिन तो जिनको भी लेनी होगी मैं आपको दिखा दूंगा। साइड पे पिक आएगी, मैन कंपनी की आती है। अब ये मैं सोच रहा हूँ कोई स्पॉन्सर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जो है शुरू से बहुत ज़्यादा शौक है स्टाइलिंग का, हेयर स्टाइलिंग का, तो इसलिए मैं ये सब लगाता हूँ। तो मैंने न्यू ट्राई किया और वो विटामिन ई में है और उसके अंदर एलोवेरा है जो कि शाइनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो इसलिए मैंने वो ली है। सो अभी जिम का टाइम हो गया और आज करेंगे अपने लेग्स का वर्कआउट शायद। हाँ लेग्स ही होगी आज। तो अब मैं जा रहा हूँ जिम में, आपको मिलता सीधे जिम में क्योंकि जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स गो।
let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. ये थी आज की वीडियो हमारी। यार आज एनर्जी नहीं थी क्योंकि ना तीन चार दिन से वो शादी का खाना खा रहे हैं ना, वेडिंग सीजन वाला, तो यार वो थोड़ा डाइट ऊपर नीचे हो जाती है, उसके कारण जो है अपना वर्कआउट सही नहीं जा रहा है। इसलिए आज मैं सोच रहा था यार चक्कर क्या है, मैं वर्कआउट जाने रहा। फिर मुझे बाद में चला कि यार ये सीन हो गया हुआ। चलो कोई नहीं, चलता रहता है, एक दिन से कुछ नहीं होता वैसे तो। सो मिलता हूँ आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी जा रहा हूँ अपनी मील खाने के लिए क्योंकि वापस से अपनी मील पे आ गए हम। ये अब नो मोर वेडिंग। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ। विवेक शर्मा साइनिंग ऑफ।